डाली तो उसमें कुछ ग्लिचेस आ रहे थे, तो लोगों ने डाउनलोड करके अपने चैनल पर डाल दी। तो भाई लोगों, मेरा नाम है दिलीप साहू और आप देख रहे हैं टिकटॉक एंड यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं टिकटॉक स्टार एम आर सेहू के बारे में। तो दोस्तों, एम आर सेहू ने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है और यूट्यूब चैनल पर उन्होंने एक गाना जो रिलीज किया है उसके उन्हें उनके यूट्यूब चैनल पर 58 के सब्सक्राइबर उन्हें मिल चुके हैं और वह गाना उनका 5 मिलियन बार भी देखा जा चुका है। तो मैन्यू कंग्रेचुलेशन टू एम आर सेहू। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी के बारे में। तो नेक्स्ट स्टोरी निकल कर आ रही है दोस्तों हर्ष बेनीवाल की तरफ से। तो दोस्तों, यूट्यूबर हर्ष बेनीवाल की वीडियो उन्होंने कल जो अपलोड की थी उसमें कुछ स्लैचिंग के कारण उन्होंने वह वीडियो अपलोड की, लेकिन उसमें कुछ आवाज़ की क्षमता सही नहीं आने के कारण उन्होंने वह वीडियो रोक दी। उसके बाद उन्होंने अपलोड की हुई वीडियो उनके कुछ लोगों ने वह वीडियो डाउनलोड करके अपने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल ली। तो इसके बारे में इंस्टाग्राम पर अपने स्टोरी टैब में हर्ष बेनीवाल कुछ ये डाले। हे गाइस, वीडियो आ चुकी है फाइनल और ये वाला फाइनल है। बहुत कल लोगों ने री अपलोड कर दी थी, मतलब जिनको नहीं पता क्या हुआ था कि वीडियो मैंने डाली तो उसमें कुछ ग्लिचेस आ रहे थे, तो लोगों ने डाउनलोड करके अपने चैनल पर डाल दी। तो कल वो पूरा वही था, बाकी बहुत ट्राई किया हमने डिलीट कराने की बाकी वीडियोस, एंड कुछ कुछ हुई कुछ कुछ नहीं। बहुत लोगों ने लिंक्स भी भेजे, थैंक यू सो मच उसके लिए। तो फाइनली वीडियो आ चुकी है और इसलिए 2 बजे डाली मैंने वीडियो ताकि जल्दी से जल्दी डाल सकूं। तो जाके देखो यार, स्वाइप अप करो न्यू वीडियोज अप, एंड जिन्होंने नहीं देखी देख लो, जिन्होंने कल मेरे चैनल पर देख ली थी दोबारा देख लो, जाके देखो, एंड बहुत सारा प्यार दो कमेंट सेक्शन में, लाइक सेक्शन को। यह घटी थी हर्ष बेनीवाल के साथ यह घटना, पूरी तरह उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में इस घटना के बारे में बताया। दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है दोस्तों बीबी की वाइंस की तरफ से। तो दोस्तों बीबी की वाइंस और मोस्टली सैम ने इंस्टाग्राम स्टोरी पे कुछ इस तरह की फ़ोटो डाली। तो दोस्तों, इसको देखकर लगता है कि जल्द ही बीबी की वाइंस और मोस्टली सैन के बीच कॉलैब वीडियो आने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि कॉलैब वीडियो आएगी? तो हमें भी इसका इंतजार रहेगा दोस्तों। दोस्तों, नेक्स्ट स्टोरी सामने आ रही है आमिर अरब के बारे में। तो दोस्तों, आमिर अरब जल्द ही बेंगलोर में एक अपना शो करने जा रहे हैं और उन्होंने इस शो के बारे में इंस्टाग्राम स्टोरी में कुछ लीक पिक्चर डाली और उन्होंने कुछ अच्छी अच्छी बातें भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में कही। दोस्तों, अगली स्टोरी निकल कर आई है यूट्यूबर आशीष चंचलानी के बारे में। तो दोस्तों, यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ इस प्रकार की फ़ोटो डाली और उन्होंने अब स्टोरी टैब में अपने कुछ औरत के बारे में कहा। जो औरत ने उनसे कहा था कि वह लड़की को लेकर उन्होंने उस औरत ने कुछ छोटे कपड़े को लेकर रिएक्शन दिए। तो आशीष चंचलानी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में कुछ ये डाले। सो गाइस, अगर आप लोग वो पोस्ट चेक करोगे, वो प्रोफाइल पे जाके स्टोरीज चेक करोगे, तो एक आंटी है मैनेज्ड जो कहती है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है क्योंकि उन्हें चाहिए कि उनका रेप हो। मुझे आपके बच्चों के लिए ना बहुत बुरा फील हो रहा है कि ऐसी घटिया थिंकिंग और ऐसी घटिया अपब्रिंगिंग में उन बेचारे गरीबों को बड़े होना पड़ा होगा। वाह आंटी, मतलब हैट्स ऑफ आपकी थिंकिंग। एक लड़की के कपड़ों से, एक लड़की की फ्रेंडशिप से और एक लड़की के इंटरेस्ट से आप ये चीज तो कभी कह ही नहीं सकते। आप किसी भी चीज से कभी भी किसी लड़की को ये नहीं कह सकते कि उसे अपना रेप करवाना है। आपको यह हमारी द्वारा दी गई हुई जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। धन्यवाद।